तो ये हम मेजरमेंट समझ लेते हैं एक बार। पैंट कटिंग कर रहे हैं, तो पैंट के ये लेंथ है हमारी सबसे पहले 40.5, फिर ये हमारी कमर है 31.5, 31.5, फिर ये हमारी हिप है 37, फिर ये हमारी थाई है 23.5, 23.5, फिर हमारी नी है ये घुटना 16.5, बॉटम मोरी है हमारी 12.5, ऑलराउंड 25 जो फोक रहेगा हमारा ये। तो कटिंग करते हैं भाइयों, बने रहो, और जो नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में। तो हम कटिंग करते हैं, यहाँ पे 1 इंच निकाल के टेप को रखेंगे बेल्ट का। 1.5 इंच का बेल्ट होता है, 1/2 इंच मार्जिन आ जाता है, बताया था मैंने पिछली वीडियो में, जिसको नहीं पता हो वो पिछली वीडियो जाके देख लें। और आसन कैसे रखते हैं ये भी मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, तो जाके देख लें। ये 10.5 रखेंगे, और ये नी का निशान रखेंगे। लंबाई हमारी 40.5, तो हम रखेंगे 11.25। लेंथ 40.5 ही रखेंगे, और 3.5 इंच का फोल्ड रख देंगे कपड़ा हम लोग। तो निशान हम सारे सीधे मार्क कर लेंगे। ये नी का निशान आ गया, ये बॉटम का निशान है, और ये मार्जिन का है। यहाँ पे ऐसे 2 सूत पे ऐसे निशान लगा लेंगे एक, और उसके बाद हमारी जो हिप है वो 37 है 37, तो 37 का हाफ चौथा हिस्सा होता है, 4 जगह बांटेंगे तो 9 इंच 2 सूत होता है। तो यह 9 इंच 2 सूत का निशान लगाएंगे, और 2 इंच आगे एक निशान लगाएंगे। ये 2 इंच क्यों लगाया है, कैसे लगाते हैं, क्या है, ये भी पिछली वीडियो में बता रखा है, जाके आप देख सकते हैं, चेक कर लो कैसे लगाते हैं। तो और ये हम 1.5 इंच बैक कर लेंगे फ्लाई के लिए, हमारा राउंड होगा फ्लाई का, 1.5 इंच बैक करेंगे। अब इसका हम हाफ करेंगे, हम बीच सेंटर करके पैंट काटेंगे। ये सेंटर पैंट कैसे काटते हैं तुम देखो, बने रहो तभी मालूम पड़ेगा सेंटर पैंट कैसे काटते हैं। तो ये अगर आपको नहीं आता तो ऐसे इंची टेप डबल भी कर सकते हो, यहाँ पर रख सकते हो, और चाहिए तो ऐसे कर भी सकते हो कि हाँ कितना आ रहा है करके, 11.5 आ रहा है। तो यहाँ से ये नापेंगे हम लोग, ये कितना आ रहा है हमारा, ये हमारा आ रहा है 7 इंच सूत कम, तो यहाँ पे 1/2 इंच कम करके रख देंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग बॉटम है हमारा 12.5, तो 3 इंच 1 सूत, 3 इंच 1 सूत, 6.25। और फिर हम लोग टेप ऐसा लेंगे, कुछ लोग इस सेफ फट्टी से रख देते हैं, लेकिन मैं टेप से लगाता हूँ, टेप से बहुत बढ़िया है, और अगली वीडियो में सेफ फट्टी से भी समझा देंगे। एक निशान यहाँ लगाना है, और एक निशान यहाँ लगाना है। नी है हमारी 16.5, अभी 8 आ रहा है, जब हम बैक काटेंगे तो उसमें कवर हो जाएगा, 16.5 आ जाएगा। अब ये निशान हम लोग सीधे मार्क कर लेंगे ऐसे, और ये वाले सेफ पट्टी से यहाँ तक ऐसे मार्क कर लेंगे। और ये निशान ऐसे सीधा नहीं लगाना है, सीधा यहाँ आ रहा है, हल्का सा क्रॉस करके लगाना है, ये निशान ऐसे ऐसे निशान लगाना है। तो अब हम लोग कमर रखेंगे, तो हमारी 31.5 कमर है, तो हम 24 तक करेंगे, तो सूत का 8 इंची होता है, ये आ गया, और 1/4 इंची का हमारा मार्जिन आता है, तो ये हमारा निशान आ गया। तो अब हम सेफ पट्टी से निशान ऐसे मार्क कर लेंगे। यह हिप का भी देख लेंगे हम लोग, हिप भी ज़्यादा लिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि वो फिर बैठती नहीं है पैंट। और इसको हम डाउन करेंगे ऐसे, इतना हम लोग डाउन कर देंगे, वेस्ट है हमारी 31.5। और अब हम लोग चाहिए तो हम लोग ये निशान भी सीधा उठा लेते हैं, सीधा निशान उठा के बता देता हूँ आपको कैसे सीधा पैंट काटते हैं। पहले नहीं उठाया मैंने, अभी उठा के दिखा देता हूँ आपको। और ये निशान हल्का हल्का ऐसे बॉस लगा देंगे, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा होता है ना, ऐसे पलट का आएगा तो बराबर आ जाएगा। तो ये स्ट्रेट पैंट की कटिंग है, मार्किंग किया हुआ है मैंने, अब कटिंग करेंगे हम लोग। तो भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बैक काटेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेकअप
करके ही भेजी है तू रब ने इको तारीफ बस कीती तेरी सब ने मेकअप करके ही भेजी है तू रब ने जचे बिना भी तू बाला जच दी मेरी अरगा च जावे भी।